अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल आई मेकअप। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, सो आज मैं आपको नवरात्रि के लिए ही आई मेकअप बताने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा लगेगा ये और बहुत ही इजी ट्यूटोरियल से मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से भर भर के कंसीलर लगा लेना है। इस तरीके से आपको पूरे पे लगाना है एंड देन आपको एक स्पंज से अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से पूरी आईज का कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है। मैं हर वीडियो में बार बार हर बार बोलती रहती हूँ, ब्लेंडिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो सारा काम अच्छा होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पाउडर से सेटिंग कर लेना है। आईज़ का जो कंसीलर लगाया था उसको सेट कर लेना है, पाउडर से लॉक कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक डार्क ब्राउन कलर का शेड लेना है और क्रीज वाली जो लाइन है, ये क्रीज को लाइन को ड्रॉ करते हुए आपको पूरी क्रीज पे अच्छे से आपको ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है। देखिए, मैंने एक आईज पे किया, अब दूसरी आईज पे भी आपको सेम इसी मेथड से आपको ब्लेंड करना है क्रीज एरिया पर। खाली आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्रीज एरिया पर ही इसको ब्लेंड करते जाना है। और हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो भी प्रोडक्ट आप जो भी आई शेडो उठा रहे हो उसको डस्ट आउट करके ही अप्लाई करो। डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से आपको डस्ट आउट करके ही अप्लाई करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको हल्के हल्के हाथ से ऊपर तक अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने जो कलर लिया है वो है ब्लैक कलर उठाया है मैंने, और जो आउटर क्रीज एरिया है आपको सिर्फ वहीं पर अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है इसको अच्छे से। देखिए, दोनों साइड पर खाली आउटर क्रीज एरिया पर आपको अप्लाई करना है ब्लैक कलर इस तरीके से और अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जो ब्राउन और ये ब्लैक कलर, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, मिला देना है। ऐसे अलग अलग लाइन से नहीं दिखने चाहिए, हर कलर को आपको मिक्स अच्छे से ना ब्लेंड किए हुए लगने चाहिए। देखिए, इस तरीके से आपको मिलाना है। अब आपको क्या करना है, जो और पाउडर जो गिर गया था आई शेडो का, उसको आपको अच्छे से डस्ट आउट करना है। इसके बाद हम करेंगे कट क्रीज। देखिए, मैंने एक ये वाला शेड का कंसीलर लिया है, डायरेक्ट मैं कट क्रीज कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कट क्रीज जो होती है उसका शेप इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसका शेप अच्छा नहीं बना तो आई लुक भी इतना प्यारा नहीं लगता है, इतना अच्छा उठ के नहीं आता है। देखिए, मैं जिस तरीके से शेप दे रही हूँ आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। धीरे धीरे आराम आराम से करो, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। और ख़ासकर ये नवरात्रि का ब्यूटीफुल सा आई मेकअप है तो वो स्पेशल होना ही चाहिए। अब देखिए, मैं दूसरी आईज पे भी सेम तरीके से कट क्रीज कर रही हूँ, उसको अच्छे से शेप दे रही हूँ। अब देख ही सकते हैं कितना प्यारा शेप आ रहा है ये। फुल लुक के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इजी आई मेकअप होने वाला है, लेकिन बहुत ही नवरात्रि वाला फील देगा। ऐसे लगेगा नहीं हम नवरात्रि में जा रहे हैं, ये लुक उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और फुल लुक के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। देखिए, हमने कंसीलर अप्लाई किया है, फिर से मैं डस्ट आउट कर रही हूँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को अच्छे से। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अच्छे से आईब्रोज को फिल कर लेना है। जो कंसीलर वगैरह लग जाता है तो थोड़ा सा आपको अच्छे से आईब्रोज को साइड में से हर जगह से, जहाँ से भी आपको कम लग रही है वहाँ से आपको अच्छे से आईब्रोज को फिल कर लेना है। ये ध्यान रखना है, एकदम डार्क आपको फिल नहीं करना है, नेचुरल भी लगनी चाहिए वो। उस वजह से आप जो भी आपको आईब्रो का शेड है उसी तरीके से आप प्रोडक्ट लेके वही लेकर आप उसको अच्छे से फिल कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, बिंदी की इसमें बहुत ज़्यादा कमी लगी मुझे, उस वजह से मैं पहले बिंदी, छोटी सी बिंदी लगा रही हूँ ताकि उसकी फील, कमी का फील ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, एक हाईलाइटेड मतलब शिमरी शेड वाला जो शेड है, सिल्वर शेड, मैं उसको अच्छे से जो कट क्रीज की थी उसी एरिया पर पूरे पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो लुक है, ये बिल्कुल डांडिया के लिए, नवरात्रि के लिए बेस्ट लुक लगेगा आपको। इसमें फ़ोटो सेशन वगैरह बहुत ही प्यारा आएगा, आपकी ट्राई ज़रूर करना, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और प्यारा भी बहुत लगता है। देखिए दोनों आईज पे मैंने सेम शिमरी जो शेड है सिल्वर, वो मैंने अप्लाई किया है अच्छे से ब्लेंड करते हुए। फिर से आपको क्या करना है, डस्ट आउट करना है। आप डस्ट आउट करते रहोगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो कंसीलर जो हमने लगाया है नीचे, तो वहाँ पे जमा नहीं होगा। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, ये ग्लिटरी पैलेट लिया है मैंने, इसमें से ये जो सिल्वर शेड आपको दिख रहा है, ये मैं वही कट क्रीज वाली एरिया पर अच्छे से फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से बहुत ईजीली ये शेड जो ग्लिटर होता है वो लग जाता है, आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्रेस ग्लिटर है। अब आप देख ही सकते, इतना लुक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर लाइनर, 4HD लैशेस का ये लाइनर है, बहुत ही प्यारा लाइनर लगता है मुझे ये। अब मैं आपको लाइनर लगाने की टेक्निक इजी बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो आउटर क्रीज है वहाँ पे आपको छोटी सी लाइन करनी है एंड ऐसे टेढ़ा करके उसको मिलाते जाना है। फिर आपको आगे जो इनर क्रीज एरिया है वहाँ से लेकर आके आपको ये पूरी लाइन को मिक्स कर लेना है। अब देखिए मैं जो टीयर डस्ट एरिया है उसके आगे नोक बना रही हूँ, क्योंकि हम आइज़ को हम बड़ा दिखाना चाहते हैं, इस वजह से हम इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अब देख ही सकते कितनी ईजी तरीके से ये लग चुका है ऊपर। अब नीचे आपको क्या करना है, देखिए जो लोअर लैश लाइन है उस पर आपको इस तरीके से पूरा जो लाइनर है वो आगे तक लेके जाना है। हाँ, अब आपको क्या करना है, एक और नोक निकाल लेनी है यहाँ से। ये जो लाइनर है आप लगाओगे रियल में, ये लाइनर बहुत प्यारा लगता है, एकदम ही ना ऐसे लगता है एकदम पार्लर से आप रेडी होके आए हो, उतना प्यारा लगता है ये लाइनर। बस लाइनर लगाते टाइम थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा धीरे धीरे लगाएं, क्योंकि जितनी आप घाई करोगे उतना परफेक्शन से ये लग नहीं पाएगा। उस वजह से देखिए अच्छे से मैं टीयर डस्ट एरिया से भी थोड़ा सा और मैंने नोक निकाली है। आपको नोक अच्छे से निकालनी है हर साइड से ताकि आपका परफेक्ट शार्प लाइनर लगे। आप देख ही सकते कितना ब्यूटीफुली ये लाइनर लग के कंप्लीट हुआ है। काजल भी अंदर आप इसी तरीके से लगा सकते हो। देखिए सेकेंड साइड पर भी मैंने छोटी सी लाइन की एंड देन उसको क्रॉस में मिलाया। सेम मेथड आपको करनी है दोनों में। देखिए इस तरीके से वही आपको टीयर डस्ट एरिया से आपको मिला लेनी है ये लाइन को पूरी। सो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना भूल गई, हैप्पी नवरात्रि, आप इंजॉय कीजिए नवरात्रि को। देखिए इसी तरीके से आपको सेम करना है, बस आपको नोक अगर अच्छे से निकालनी आ गई ना तो आपका लाइनर परफेक्टली लग जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंट भी रखोगे ना तो बहुत परफेक्टली आपका लाइनर लगेगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइनर परफेक्ट लगाने के लिए। देखिए सेम मेथड मैं कर रही हूँ, बस आपको ध्यान रखना है एकदम परफेक्ट और एकदम सेम लगे लाइनर। देखिए मैंने इसको मिलाया है और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ से लाइनर को मोटा कर रही हूँ और थोड़ा सा बाहर नोक निकाल दिया है मैंने। और देखिए सबसे बेस्ट नवरात्रि आ रही है, गुजराती जो हम लगाते हैं ये, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमारा लुक कंप्लीट होगा। अब मैं बिंदी को भी थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ।
आप देख ही सकते हैं, बस इतना सा करने पे ही हमारा पूरा ऐसे लग रहा है, नई नवरात्रि लुक अब हमारा कंप्लीट लग रहा है और बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करके अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हाइलाइटिंग कर लेंगे। देखिए ये मार्स वाला पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, बहुत ही परफेक्ट है हर स्किन टाइप के लिए। आई थिंक मैच्योर स्किन के लिए भी बहुत ही बेस्ट हाइलाइटर है। देखिए नोज़ पे, चिन पे, हर जगह पे आपको अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा ना टियर डस्ट जो एरिया है ना वहाँ पर सिल्वर कलर का जो हाइलाइटर है ना वो अप्लाई कर रही हूँ। उससे क्या होगा, हमारी आईज़ और हाइलाइटेड लगेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी हमारी आईज़। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा ये हमारा लुक कंप्लीट हुआ है। हाँ एक चीज़ की कमी है, लैशेस। लैशेस हम लगाते हैं पहले। देखिए ये वाली लैशेस मैंने ली है, अब हम अच्छे से इसको लगाएंगे। आप देख ही सकते हैं वाव कितना प्यारा हमारा नवरात्रि लुक कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हो। तो अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हैप्पी नवरात्रि, एंजॉय योर डे।